Dawn Express, Aina Sashka. नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। आज अयोध्या में तय समय के अनुसार प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर साकेत डिग्री कॉलेज में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरा, जहां पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी आगवानी के लिए मौजूद थे। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के लिए तय गाइडलाइन का पूरा पालन किया। वह मास्क लगाए हुए थे। उनका स्वागत करने वाले 2 मीटर की दूरी पर बनाए गए सफेद रंग के गोले में खड़े थे। पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने वाहन की ओर रुख किया। बाद में पीएम मोदी का काफिला हनुमानगढ़ी के लिए रवाना हो गए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क पर सन्नाटा था, लेकिन छतों पर खड़े लोग हाथ हिलाकर अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि परिसर में विराजमान रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी इससे पहले वर्ष 1991 में आए थे, जब उनसे एक पत्रकार ने संयोग से दोबारा आने का समय पूछा था। उस समय उन्होंने मुस्कुराकर कहा था कि अब अयोध्या तभी आऊंगा जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी राम भक्त हनुमान का दर्शन पूजन कर उनसे भूमि पूजन की अनुमति मांगी। 10 मिनट प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी में बिताने के बाद वह करीब 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे। राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारिजात का पौधा लगाया, जहां उन्होंने विधिवत रामलला विराजमान का दर्शन पूजन किया और आरती उतारी। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय पारंपरिक पोशाक हल्के पीले रंग का कुर्ता, सफेद धोती और भगवा रंग के गमछे में थे। काशी के प्रखंड 3 विद्वानों ने भूमि पूजन का अनुष्ठान शुरू किया। पीएम मोदी को यजमान के तौर पर संकल्प दिलाया गया और गणेश पूजन के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत मौजूद थे। पुरोहितों ने प्रधानमंत्री से विधिवत पूजा अर्चना कराई। इस दौरान चांदी के 9 शिलाओं का पूजन किया गया। करीब 12 बजे शुरू हुआ भूमि पूजन कार्यक्रम करीब 48 मिनट तक चला। अभिजीत मुहूर्त में भूमि पूजन और शिला पूजन संपन्न होने के बाद श्री मोदी ने साक्षात दंडवत प्रणाम कर देश की तरक्की और कोरोना के नाश का वरदान प्रभु श्री राम से मांगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद हर हर महादेव, जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, RSS प्रमुख भागवत, CM योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत सियावर रामचंद्र की जैसे की। उन्होंने कहा कि आज से जय घोष सिर्फ सियाराम की नगरी में नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। सभी देशवासियों और राम भक्तों को कोटि कोटि बधाई। यह मेरा सौभाग्य है कि राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने मुझे आमंत्रित किया और इस पल का साक्षी बनने का अवसर दिया। राम मंदिर पूजन के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने एक निष्ठ प्रयास किया। आज का दिन उसी तप और त्याग और संकल्प का प्रतीक है। पीएम ने कहा कि सालों से टेंट में रहे आज हमारे रामलला ने भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। पीएम बोले, राम मंदिर हमारी सात-सात आस्था का प्रतीक बनेगा, करोड़ों लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर के लिए चले आंदोलन ने मैं अर्पण भी था, दर्पण भी था, संकल्प भी था और संकल्प भी था। जिनकी तपस्या राम मंदिर की नींव में जुड़ी हुई है, उनके लिए मैं सिर झुकाकर नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि हमारे सदियों का संकल्प पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह उल्लास का दिन। उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और उसकी न्यायपालिका की शक्ति ने दुनिया को दिखा दिया है कि शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से हल किए गए मामले कैसे हो सकते हैं। वहीं RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि पूरे देश में आनंद की लहर है। अशोक जी यहाँ रहते तो कितना अच्छा होता। जो है वो मन से है और जो नहीं है वो भी इस आनंद को उठा रहे हैं। इस आनंद में एक उत्साह है। उन्होंने कहा कि परम वैभव और सबके कल्याण का शुभारंभ आज है। सब राम के हैं और राम सबके हैं, इसीलिए यहाँ मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। वहीं महंत नृत्य गोपाल दास बोले, एक मोदी और एक और योगी, तो अब मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा। इस सबकी यही इच्छा थी कि यहाँ राम लला विराजमान है, वहाँ भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। इसके लिए सभी लोग तन मन धन से तैयार हैं।
सभी भक्तों को की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब जनता की इच्छा के अनुसार इसका कार्यक्रम पूर्ण हो जाना चाहिए। वहीं राम की नगरी अयोध्या में 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन में कई लोगों को आमंत्रित किया गया, लेकिन मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर मोहम्मद आजम खान को आमंत्रित नहीं किया गया है। इससे नाराज आजम खान जल समाधि लेने के लिए लखनऊ से अयोध्या जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें हिरासत में ले लिया। आजम खान ने कहा, राम हमारे पूर्वज थे और हमें भूमि पूजन में न्योता नहीं दिया गया। इकबाल अंसारी जैसे लोगों को न्योता दिया जा रहा है। आजम खान ने कहा, मैं राम भक्त हूँ और मुझे राम जी ने बुलाया है, मैं इसीलिए जल समाधि लेने जा रहा हूँ। चीन के खिलाफ भारत के डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। भारत सरकार ने चीन के 2 सबसे पॉपुलर ऐप बाइडू सर्च और वीवो को ब्लॉक कर दिया है। बाइडू सर्च को गूगल का विकल्प माना जाता है, ये चीन का अपना सर्च इंजन है, तो वहीं वीवो को ट्विटर का विकल्प माना जाता है। जल्द ही इन ऐपों को गूगल ऐप स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से हटा लिया जाएगा। 27 जुलाई को केंद्र सरकार ने 47 चीन ऐप को बैन किया था, इनमें वीवो और वाइडो भी शामिल हैं, मगर उस समय इन ऐप्स की लिस्ट जारी नहीं की गई थी, इसीलिए इन ऐप के बैन की जानकारी देरी से आई है। सरकार ने भारत में सक्रिय चीनी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए Xiaomi द्वारा बनाए ब्राउजर एक्शन MI ब्राउजर प्रो वीडियो डाउनलोड फ्री फास्ट एंड सिक्योर पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि कंपनी सरकार के साथ बातचीत शुरू करने के लिए कदम उठा रही है। कुछ मार्केट एनालिस्ट का कहना है कि ब्राउजर के खिलाफ कार्रवाई डिवाइसेस के परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि इस कदम से डिवाइस की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यूजर्स आसानी से कोई भी ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार ने एक और चीनी ऐप QQ इंटरनेशनल को भी ब्लॉक करने का आदेश दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि Xiaomi ने देश में 10 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन बेचे हैं और ये अग्रणी मोबाइल ब्रांड हैं। वहीं अगली खबर, ऑडियंस ब्रांड्स और कंज्यूमर बिहेवियर आदि को मापने वाली प्रमुख कंपनी कॉम स्कोर के अनुसार भारत के डिजिटल परिदृश्य में टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल और फेसबुक ने अपना दबदबा बनाए रखा है। इंडिया कॉम स्कोर डिजिटल रैंकिंग जून 2020 के अनुसार जून में इन कंपनियों के यूनिक विजिटर्स की संख्या क्रमशः 397 मिलियन और 385 मिलियन रही है। इस रैंकिंग के अनुसार लिस्ट में 98% पहुंच के साथ गूगल टॉप पर बनी हुई है, जबकि 94.9% के साथ फेसबुक दूसरे नंबर पर है, जबकि टाइम्स इंटरनेट ने 77.7% पहुंच के साथ तीसरे नंबर पर अपना नाम दर्ज कराया है। इसके यूनिक विजिटर्स की संख्या 315 मिलियन है। टॉप 10 मल्टी प्लेटफॉर्म प्रॉपर्टीज डेस्कटॉप और मोबाइल की इस लिस्ट में ई कॉमर्स साइट्स Amazon और Flipkart क्रमशः 309 मिलियन और 228 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ चौथे और पांचवें नंबर पर बनी हुई है। ByteDance INC की TikTok, जिसे भारत ने पिछले महीने के अंत में बैन कर दिया गया है, को 196 मिलियन विजिटर्स मिले हैं और पहुंच के मामले में 48.3% के साथ यह इस लिस्ट में छठे नंबर पर है। Truecaller.com और Paytm.com का इस लिस्ट में छठा और सातवां नंबर है। इसके यूनिक विजिटर्स की संख्या क्रमशः 193 मिलियन और 190 मिलियन दर्ज की गई है। टॉप 10 साइट्स की इस लिस्ट में जी डिजिटल और रिलायंस जियो डिजिटल सर्विसेज ने भी अपना नाम दर्ज कराया है। जी डिजिटल यहां 9वें नंबर पर है, वहीं रिलायंस जियो डिजिटल सर्विसेज 10वें नंबर पर है और इनके यूनिक विजिटर्स की संख्या क्रमशः 186 मिलियन और 176 मिलियन रही है। वहीं अगली खबर, फिल्म सेंसरशिप को लेकर देश भर में माहौल हमेशा से गर्म रहा है। 1918 में अंग्रेजी हुकूमत द्वारा फिल्मों में सामग्री को परीक्षण करने के इरादे से आरंभ की गई नीति आज 21वीं शताब्दी में OTT प्लेटफॉर्म के जमाने में भी प्रासंगिक है। एक दर्शक फिल्म में क्या देखे, इसे यह तय करने की एक संस्था आजाद भारत में भी बनाई गई है, जिसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नाम दिया गया है। इसी क्रम में कई कमेटियां बनी जिसने इस बोर्ड के क्रियान्वयन और तरीकों में बदलाव लाने के लिए जरूरी सुझाव भी दिए हैं। यह सब कितना सफल हुआ और क्या बदलाव हुए, पुस्तक फिल्म सेंसर
हस्तशिल्प के 100 वर्ष बताती है। डॉक्टर मनीष जैसल द्वारा लिखी गई यह किताब संभवतः हिंदी में इस विषय पर लिखी गई पहली किताब है जो फिल्म सेंसरशिप के 100 वर्षों का पूरा लेखा जोखा पेश करती है। दुनिया भर में फिल्म सेंसरशिप को लेकर बने मॉडल में भारत में कौन सा सबसे उपयुक्त होना चाहिए पुस्तक में दिए सुझावों से जाना और समझा जा सकता है। कभी पद्मावती जैसी फिल्मों को लेकर विवाद होता है तो कभी उड़ता पंजाब के सीन कट हो जाने से मीडिया में हेडलाइन बनने लगती हैं, लेकिन इसके पीछे के तर्कों और इससे बचाव को लेकर सरकारें क्या क्या उपाय सोचती और उसे करने का प्रयास करती है पुस्तक कई उदाहरणों के साथ सामने लाती है। देश के शिक्षाविद, फिल्मकार, पत्रकारों, लेखकों आदि से किए गए साक्षात्कार फिल्म सेंसरशिप के भविष्य को लेकर एक राह दिखते हैं जिन पर अमल किया जाए तो संभवतः इस दिशा में सकारात्मक कार्य हो सकता है। वहीं अगली खबर, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को डिजिटली तौर पर डीडी असम चैनल लॉन्च किया। इस दौरान सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे, दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल मयंक अग्रवाल और प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेमपंती ने चैनल के लॉन्चिंग समारोह को वर्चुअली संबोधित किया। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 24/7 की तर्ज पर शुरू किए गए सैटेलाइट चैनल डीडी असम यहां के लिए एक बड़ा तोहफा है जो विविधता में एकता का संदेश देता है। उन्होंने कहा, असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्र प्राकृतिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि से परिपूर्ण है और यह एकता के सूत्र को आगे बढ़ाता है, इसीलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक राज्य का अपना दूरदर्शन चैनल हो। दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल ने कहा, डीडी असम राज्य के समृद्ध इतिहास को प्रदर्शित करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना प्रसारण मंत्री को इस पहल के लिए धन्यवाद देते हुए डीडी असम सरकार के संदेशों, पहलों और कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लाने में मदद करेगा। वहीं अगली खबर, दिल्ली पुलिस के पीसीआर इकाई में तैनात कांस्टेबल फरोज आलम ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है, जबकि एक इंस्पेक्टर और एक सहायक सब इंस्पेक्टर की पुत्री ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने आज यह बताया कि कांस्टेबल फरोज ने सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर दिल्ली पुलिस का मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल फरोज ने 654वीं रैंक हासिल की है। इसके अलावा द्वारका जिले में तैनात एएसआई राजकुमार की बेटी विशाखा यादव ने 6वीं रैंक हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने सिविल सेवा में सफल होने वाले कांस्टेबल फरोज और पुलिस परिवार की सफल लड़कियों को शुभकामनाएं दी हैं। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त अंटो ऑलफोंस ने सिविल सर्विसेज में 6ठी रैंक हासिल करने वाली विशाखा यादव और अपने ही दफ्तर में काम करने वाले उनके पिता एएसआई राजकुमार को अपने दफ्तर में सम्मानित किया और इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया, जिसमें प्रदीप ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा रही हैं। इस बार कुल 829 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इन उम्मीदवारों में 304 उम्मीदवार जनरल कैटेगरी और 78 उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस, 251 उम्मीदवार ओबीसी, 129 अनुसूचित जाति और 67 उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति के शामिल हैं। सभा समाचार फॉर मीडिया, बडास फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।